हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक बार फिर आपकी ही रिक्वेस्ट पर। आपने मुझसे कहा था कि बर्गमॉट ब्यूटी के परफ्यूम्स के बारे में कुछ बताइए, तो चलिए आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डीजे वैम, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी और भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि बर्गमॉट ब्यूटी के किसी परफ्यूम के बारे में बताइए। तो आज मैं आपको बर्गमॉट ब्यूटी के टक्स परफ्यूम के बारे में बताऊंगा। तो ये रखा है वो बॉक्स बर्गमॉट ब्यूटी का, ये 30 ml की बॉटल है इसमें और इसका जो MRP है वो यहाँ पीछे लिखा हुआ है। कितना लिखा है ये आपको पहले ही बता देता हूँ, 411 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन 411 में ये आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए अब इसकी बोतल को उठाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी है, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं। वैसे एक बात आप लोगों को बताओ कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप जितने भी परफ्यूम्स की रिक्वेस्ट मुझसे करते हैं उनको मंगाऊं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा बजट कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कोई परफ्यूम लगता है कि मंगाने से कोई फायदा नहीं, कुछ दिन बाद इसको मंगाया जाए, तो ये सारी चीजें मुझे भी थोड़ी सोचनी पड़ती हैं। तो अगर इन कारणों की वजह से कभी थोड़ी सी देर हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि मैं उनका रिव्यू नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक परफ्यूम जिसकी आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है उसको जरूर मंगाऊं, आज नहीं तो कल। तो निराश मत होइएगा, मैं सारे परफ्यूम्स का रिव्यू करूंगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर हो सकता है कि वो निराश हो चुके हों, रिया परफ्यूम के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो देखिए रिया परफ्यूम को भी मैं मंगाऊंगा, आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, रिया परफ्यूम्स को मैं मंगाऊंगा चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन मैं उन्हें मंगाऊंगा। तो अभी कुछ परफ्यूम्स ऑलरेडी मैंने मंगा रखे हैं उनके बारे में बता दूं और रिया के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत इच्छा है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि किसी काम के नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी काम के नहीं है तो भी उनके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि आपने कहा है। मेरी कोशिश कि आप जिन परफ्यूम को जानना चाहते हैं उनके बारे में बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं बर्गमॉट ब्यूटी के इस प्यारी सी बॉटल, टक्स की जो बॉटल है इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस छुपी हुई है उसको देखते हैं कि वो कैसी है। बॉटल तो मुझे अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर की है, यहाँ पे गोल्डन कलर से टक्स लिखा हुआ है, बर्गमॉट ब्यूटी का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है और ये गोल्डन कलर का इसका कैप है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, पतली सी है और सबसे अच्छी चीज मुझे जो इसकी लग रही है वो ये कि ये ट्रेवल फ्रेंडली है, इसको आप पे भी ले जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने छोटे से कैरी बैग में भी डाल सकते हैं, तो एक ट्रेवल फ्रेंडली ये पैकेट मुझे लग रहा है। हालांकि इसकी 100 ml की बोतल भी आती है, वो भी मेरे ख्याल से 699 के आसपास है उसका प्राइस MRP, और हो सकता है कि ऑफर्स में वो थोड़े से और कम प्राइस में आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। एटमाइजर इसका कैसा है? अच्छा है, वाह वाह। देखिए ये जो स्मेल होती है आप सभी लोग जान चुके होंगे कि ये जो सिट्रसी स्मेल होती है ये बड़ी ही रिफ्रेशिंग होती है। तो शुरुआत इसकी होती है ग्रेप फ्रूट की जो सिट्रसीनेस होती है ना उसके साथ, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो स्पाइसेस है, नटमेग है, कार्डमम है, सिनामन है, ये सारे जो स्पाइसेस है वो भी इसके साथ में ही आपको फर्स्ट स्मेल में ही समझ में आ जाएंगे। तो एक बड़ी ही रिफ्रेशिंग और एक बड़ी मसालेदार और एक अच्छी स्मेल ये मुझे लग रही है। और इसको पिछले करीब 3-4 दिनों से मैं यूज कर रहा था और ढूंढ रहा था कि क्या ये वाकई किसी बड़े डिजाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। जी हाँ बिल्कुल है, बड़े डिजाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड तो जरूर है, लेकिन कितनी इंस्पायर्ड है, कैसी है ये आपको अभी बताऊंगा। तो इसका जो मिड नोट है उसमें आपको लेवेंडर की जो पाउडरी खुशबू होती है ना वो भी आएगी और इसके बेस नोट में आपको थोड़ी सी एम्बरी स्मेल, सैंडलवुड की, पचूली की, और एक चीज होती है लिकोराइस। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक परफ्यूम था बोल्ड केयर का, उसमें भी ये चीज थी, ये लिकोराइस, ये जो मुलेठी होती है ना ये वो होती है लिकोराइस। मुलेठी तो आप जानते ही होंगे गले को ठीक करने के लिए होती है, उसका स्वाद बड़ा मीठा मीठा होता है, तो वो जो लिकोराइस की जो मिठास होती है वो भी इसके बेस में जरूर मिलती है। तो कुल मिला के मुझे एक अच्छी फ्रेग्रेंस लग रही है, मुझे लग रहा है कि डेटिंग के लिए बहुत ही अच्छी स्मेल है, पार्टी के लिए बहुत अच्छी है। और वेदर की अगर बात करेंगे तो विंटर के लिए मैं समझता हूँ ये ज्यादा अच्छी रहेगी, गर्मियों में शायद उतना मजा ना आए, लेकिन जाड़ों के लिए बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये जिस बड़े डिजाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है उसका नाम है डियोर सवाज एलिक्जर। एलिक्जर की तरह ये है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 100% एलिक्जर की तरह नहीं है, लेकिन काफी हद तक उससे मिलती जुलती है। मेरे पास एलिक्जर के 2-3 अच्छे क्लोन है, मेरे पास फॉलो मी का एक क्लोन है जो कि डियोर सवाज एलिक्जर का क्लोन है, और उसको मैंने दिल्ली में एक बड़ी परफ्यूम की शॉप में जाकर डियोर सवाज के एलिक्जर से मैच कराया, तो वो करीब करीब मुझे
90% मैच करती हुई मिली। तो मेरे पास डियोर सवाज का एक अच्छा सैंपल है जिससे मैं उसको मिला के देख सकता हूँ कि ये किस हद तक डियोर सवाज से मैच करता है। मेरे पास ये फॉलो मी का डियोर सवाज एलिक्सर का क्लोन है, ये 90% डियोर सवाज ओरिजिनल से मिलता है, तो इसको मैं साथ में रखता हूँ। जब कभी भी मुझे थोड़ा सा कंपेरिजन करना होता है तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ। इसमें देखिए एक चीज है, ये थोड़ा ज्यादा स्पाइसी है, इसमें थोड़ी सी वो स्पाइसीनेस जो है वो कम है। तो जो डियोर सवाज एलिक्सर है वो ज्यादा स्पाइसी है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी स्पाइसीनेस है लेकिन थोड़ी सी जो स्वीटनेस है वो इसके ऊपर हावी लगती है, तो वो जो स्पाइसीनेस है वो थोड़ी सी कम है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर मुझे डिफरेंस लग रहा है, ये थोड़ा सा स्पाइसी कम है, स्वीट ज्यादा है, क्योंकि इसका जो बेस नोट है उसमें भी स्वीटनेस भरी हुई है। ओपनिंग में भी जो आपको ग्रेप फ्रूट मिलता है उसमें भी स्वीटनेस है, तो वो जो स्वीटनेस है वो थोड़ी सी मुझे इसके अंदर ज्यादा लगती है। वैसे ओवरऑल एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छा परफ्यूम है। वैसे जिस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है उस प्राइस रेंज में मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 600-700 रुपए में आपको डियोर सवाज एलिक्सर का स्मेल अलाइक मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है और प्राइस भी इसका अच्छा है। ये 30 ml की बॉटल मुझे 296 की मिली, इसकी जो 100 ml की बॉटल आती है वो मैंने आपको बताया 699 उसका MRP है, लेकिन आपको किसी भी साइट पे वो 400 से लेके 600 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं उसकी लॉन्जिविटी कितनी है, कितनी देर तक ये टिकती है। तो देखिए इसका जो प्रोजेक्शन है वो अच्छा है, वो कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक 2-3 फीट दूर तक प्रोजेक्ट करता है। ये प्योर पफा है तो इसकी वजह से इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन लॉन्जिविटी इसकी अच्छी है। देखिए मान के चलिए कम से कम 7-8 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है, लेकिन ये काफी देर तक कपड़ों पे टिका रहता है। अगर आप 10-12 घंटे बाद भी कपड़ों को ऐसे स्मेल करेंगे तो उसमें से इसकी स्मेल जरूर आएगी। तो एक अच्छी लॉन्जिविटी वाला परफ्यूम मुझे लगा। प्राइस भी इसका अच्छा है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं लगता है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही ऑथेंटिक लगते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डीजे वैन मुझे सजेस्ट करने के लिए कि बर्गमॉट ब्यूटी के परफ्यूम्स के बारे में बताइए। ये तो मेरे कलेक्शन में चला जाएगा, जाड़ों में तो मैं इसको काफी यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको जरूर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर करके पूछते रहते हैं कि भाई कोई ऐसे परफ्यूम के बारे में बताइए जो डेटिंग के लिए अच्छा हो, मेरी गर्लफ्रेंड को बड़ा पसंद आए। तो भैया आंख बंद करके इसको ले लो, तुम्हें भी पसंद आएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी पसंद आएगा। तो ये था बर्गमॉट ब्यूटी का टक्स परफ्यूम। आपको ये जानकारी कैसी लगी, देखिए मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों ने भी इसको यूज किया है तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी एक नए परफ्यूम के बारे में आपको बताऊंगा। सागर परफ्यूम्स एक कंपनी है जो कि सूरत गुजरात की है, उनके कुछ परफ्यूम्स के बारे में मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं। एक नई फ्रेग्रेंस है, एक नई कंपनी है, बहुत दिनों से मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि चलो जब मैं नए नए परफ्यूम्स के बारे में बताता हूं तो इसके बारे में भी जरूर बताऊं। तो बहुत जल्दी आपको सागर परफ्यूम के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नए नए परफ्यूम्स के बारे में जानकारी मैं देता रहता हूं और खास तौर से आप लोगों की रिक्वेस्ट भी परफ्यूम के बारे में बताता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चलता हूं, नमस्कार।